वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सादिक संजरानी को तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर मुबारकबाद पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को करारदाद मुस्तरद होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आपने साबित किया है कि आप पर ऐवान एतमाद करता है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के सैनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक नाकाम हो गई है। हमने अपोजिशन जमातों से मुलाकात में उनको समझाया था कि आप इदारे की रवायत को मजरूह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बाहर आकर बयान दिया कि हम इनसे मदद चाहते हैं, लेकिन मदद तो वो अपनी भी नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी सियासी जमातें इस सारे खेल में इस्तेमाल हुई, लेकिन अब पाकिस्तान बदल चुका है। हमारा अपोजिशन से कोई गिला नहीं, हमने अवामी मफाद में कानून साजी करनी है। ये किसी की फतह नहीं बल्कि ये एक इदारे की फतह है। शिबली फराज ने कहा कि हमारा एहतसाब भी जारी रहेगा। ये पहली और आखिरी बार तारीख में हुआ है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की गई है। वाज़ह है कि हुकूमत के हमायत याफ्ता चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और अपोजिशन के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के अमीर हासिल बजिंजो आउट हो गए हैं। अपोजिशन के 64 और हुक्मरान इतिहाद के 36 सेनेटर ने पोलिंग में हिस्सा लिया। तहरीक अदम एतमाद के हक में 50 वोट पड़े, जबकि सादिक संजरानी को 45 वोट डाले गए और 5 वोट मुस्तरद करार पाए। यूँ तहरीक को एक चौथाई वोट न मिलने पर मुस्तरद कर दिया गया।